अभी आपको दिखाने वाले हम लोग मनीष लंच होम का खाना, मुंबई का वन ऑफ द ओल्डेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। वीडियो अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको साउथ इंडियन खाना खाना बहुत पसंद है। लेट्स स्टार्ट द टेस्टीएस्ट फूड इन मुंबई। हाय गाइस, सन में दिस साइड फ्रॉम वेजी भाजी, और संडे स्पेशल्स के इस एपिसोड में आपको दिखाने वाले हम लोग एक बहुत ही खतरनाक टेस्टी साउथ इंडियन खाना इन चेंबूर। अभी हम लोग हैं मनीष लंच होम में, बहुत सारी चीज़ें खाएंगे, बहुत फन करेंगे, बढ़िया बढ़िया खाना दिखाएंगे आपको, मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो वेजी भाजी, बहुत मज़ा आने वाला है संडे स्पेशल्स के इस एपिसोड में। गाइस, आगे हम लोग बिजी किचन में मनीष रेस्टोरेंट की, दिखाते हैं आपको अलग अलग खाने की चीज़ें। एक अपना घी मैसूर डोसा लगाते हैं, आ जाओ आ जाओ, लेट्स शो। मैंने बहुत नाम सुना है आपका, इधर किधर है ये एग्जैक्ट एड्रेस, चेंबूर में कहाँ पड़ता है ये रोड नंबर 2 बोल के रहता है। अच्छा, चेंबूर ईस्ट में है। बाकी किसी से भी पूछेंगे तो मनीष रेस्टोरेंट, सो मनीष रेस्टोरेंट एक ही है। मनीष कैफे नहीं, मनीष रेस्टोरेंट, मनीष लंच होम यू से, मनीष लंच होम। हाँ, सो ओरिजिनल इज मनीष लंच होम। हाउ ओल्ड इज दिस, कितना पुराना है? मोर देन 80 इयर्स। 80 इयर्स। टाइमिंग क्या रहता है ऑपरेशनल? मॉर्निंग 8 o'clock टू नाइट 10 o'clock। क्रिस्पी डोसा रेडी, ये घी रोस्ट वाला है ना? ओह सॉरी, घी मैसूर मसाला, मसाला सेपरेट। भैया को भी ऑर्डर याद हो गया। दिस इज द थिंग, दिस विल हैव। और साथ में ना मैं सोच रहा था इडली और वड़ा लेते हैं। दे देंगे। अच्छा, आज अभी वो 11 o'clock हो गया, तो देयर इज राइस थिंग्स आल्सो, मील्स भी है ना अभी। दिस इज कैबेज राइस, आगे सांभर है, सांभर इज देयर, सांभर है, एंड दिस इज जो है सूरन का और केला का, केले का सब्जी है। वो रसम है, मूंग का जो है, मूंग का दाल है। कौन सा रसम है आज? ये जो है गार्लिक रसम है, टोमेटो रसम है। और वो केसरी बात पीछे है। ऊपर पूरा मील्स का प्रिपरेशन, लंच टाइम होगा, काफ़ी बिजी टाइम होगा, और वहाँ पे राइस लगा हुआ है, सुपर डुपर अमेजिंग। आपका नाम सर? आइए मिस्टर, आइए। फिल्टर कॉफ़ी का तैयारी हो रहा है। किसी भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पे जाओ तो पहले हैव अ गुड मील, डोसा इडली वड़ा मील्स व्हाटएवर, और एंड करो फिल्टर कॉफ़ी के साथ में। किसी भी रेस्टोरेंट में, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में फिल्टर कॉफ़ी ऐसे पीने में जो मज़ा आता है ना, मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। अच्छा, ये वो कोकोनट वाला आज का डेजर्ट है ना, ये तो इनका ना डेजर्ट ऑफ द डे होता है। दिस इज द डेजर्ट ऑफ द डे, एकदम बनाना लीफ में, बहुत टेस्टी रहेगा ये। क्या बोलते हैं इसको? एलडा। एलडा। आज की मील काफ़ी कमाल की होने वाली है। हम डोसा खाने वाले हैं, इडली खाने वाले हैं, बड़ा खाने वाले हैं, साउथ इंडियन कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी पीने वाले हैं, और ये खाने वाले हैं जिसका नाम मेरे को अभी तक याद नहीं हुआ। दिस इज व्हाट एलडा, क्या होता है इसमें? जैकफ्रूट, कोकोनट एंड जैगरी। जैगरी, थ्री थिंग्स, एंड बनाना लीफ में यू स्टीम इट, सुपर डुपर ऑसम। मेरे को साउथ इंडियन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो, तो कितना जनरेशन ओल्ड शॉप है? थ्री जनरेशन। तो स्टार्ट यहीं से, चेंबूर से ही हुआ था? नहीं, माटुंगा में। कहाँ से? ओरिजिनल माटुंगा। माटुंगा से अनदर जो है ऑपोजिट राम मंदिर। हाँ, माटुंगा वी आर, वी वर हैविंग नियर अबाउट 15-20 years, 16 years देयर। अच्छा, द सेम थिंग वी शिफ्टेड बिकॉज़ ऑफ रीडेवलपमेंट। ओके, सो नाउ योर कस्टमर्स फाइंड यू बैक हियर इन चेंबूर। चेंबूर में वो ढूंढते हैं खाना, मजा आता है और वही टेस्ट मिलता है। क्रिस्पी बैच ऑफ वड़ा इज डन। एक वड़ा डलवाते हैं, एक इडली, गरम गरम वड़ा लेंगे, इडली लेंगे, एकदम स्टीमिंग हॉट, देन डोसा हमारे बाहर लग चुके हैं, डेजर्ट आ चुके हैं, फिल्टर कॉफी तो मैंने हाथ में ही ले ली थी, मजा आएगा। इडियप्पम इज लाइक यू ईट इडली अप्पम विद सांबर, सांबर चटनी ना। सो इडियप्पम क्या होता है ना, ये जैसे बेसिकली है ये राइस, आप राइस के साथ सांबर खाओ, आप राइस वाली इडली के साथ खाओ, या फिर इडली अप्पम के साथ, दीज आर लाइक राइस नूडल्स, इफ यू से राइस नूडल्स साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। चलो भाई, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, सुबह सुबह का नाश्ता करने आए हुए हम लोग मनीष लंच होम में। सेविया पायसम, दिस इज लाइक वन मील्स पूरे दिन रहता है, मतलब ऑल डेज, दिस मील्स का डेजर्ट स्पेशलिटी।
हर जगह पे कुछ ना कुछ हो रहा है, इतना बिजी किचन है और इतना लाइवली किचन है ना, बहुत मजा आया अय्यर भाई आपसे बात करके भी बहुत मजा आया। अब चलते हैं, अब बाहर आ जाओ गाइस, पूरा टेबल भर चुका है। वी आर एट वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स इन मुंबई। अभी चेंबूर में है हम लोग और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, फॉरगिव मी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। दिस इज एलाई अड़ाई। ये बेसिकली बनाना लीफ में डेजर्ट बनाते हैं। दिस इज मेड फ्रॉम जैक फ्रूट एंड जैगरी एंड तीसरा क्या चीज़ बताया था, कोकोनट। कोकोनट ऑफकोर्स, इट्स साउथ इंडिया, देयर नीड्स टू बी कोकोनट। दिस इज डेजर्ट ऑफ द डे इनका ना, जैसे हर दिन कुछ ना कुछ डेजर्ट ऑफ द डे रहता है, तो ये है, इसको एंड में खाएंगे। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले पे देखते हैं। हमारे पास है झांगरी, अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में तो इसको इमरती बोलते हैं, अभी हम लोग साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में तो इसको झांगरी बोलेंगे। दीज आर योर रेगुलर बूंदी लड्डूस, ये है मैसूर पाक, फिर ये है रवा लड्डू, और ये है वो जो आपने खाए होंगे ना, मीठे पनीरम, स्वीट पनीरम, वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम्स। और ये फिर आ गया मेरा फेवरेट है मैसूर, घी मैसूर डोसा है ये, मसाला अलग से लिया हम लोगों ने, और ये है रवा डोसा, घी रवा मसाला डोसा, आई हैव बीन करेक्टेड, एंड फिल्टर कॉफ़ी, वड़ा, इडली, मील्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेट्स स्टार्ट। उससे फोम भी आ जाता है ना, और वो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, देसी फ्रॉथर। और फिल्टर कॉफी को पीने का एक्चुअल तरीका है लाइक दिस, रुक जाओ रुक जाओ, माइक में आ रही आवाज। सही फन लग रहा है, मजा आ रहा है, एक ना ऐसे लग रहा है कि हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट में अपना एक बॉक्स बना लिया पूरा अलग। चलो खाना स्टार्ट करते हैं। पहले आई टेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ दिस इडली, सुपर सॉफ्ट राइस इडली, इसको डिप करता हूँ मैं चटनी में। चेंबूर, लेट्स डू दिस। क्या इडली है, मुँह में घुलने वाली, वो फर्मेंटेशन की हल्के हल्के खटास आ रही है ना, जो सो ब्यूटीफुल, क्रिस्पी क्रिस्पी वड़ा, जो अभी अभी बैच निकला है मेंदू वड़ा का। मेरे को यहाँ पे बताया गया कि दाल वड़े यहाँ पे शाम को मिलते हैं। क्या मज़ा आया है यहाँ पे खाने में ना, और क्या खाएँ, वॉट एल्स, सांभर से लेते हैं। और यहाँ पे स्टाफ इतने प्यार से बता रहे हैं ना सारी चीज़ें, आप ये भी देखो, ये भी खाओ, ये भी ट्राई करो, लेट्स ट्राई। अभी अपन क्या करेंगे, विल डू आवर सिग्नेचर थिंग, एक इडली लिया सांभर में डाल के छोड़ देंगे, इसको 5 मिनट बाद देखेंगे, तब तक ये राइस इडली पूरा सांभर पी जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। रवा डोसा से ट्राई करते हैं, विल टेक लिटिल बिट ऑफ डोसा, खोलेंगे उसमें मसाला डालेंगे, दैल बी आर एग्जॉटिक मूव, एंड जस्ट बिना चटनी बिना सांभर के जस्ट टेस्ट घी रवा एंड सांभर, नॉन सांभर मसाला। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लोड्स ऑफ फूड, लोड्स ऑफ फ्लेवर। हम लोगों ने बहुत साल पहले ना मनीष कैफे का खाना दिखाया था आपको, दिस इज मनीष लंच होम इन चेंबूर, स्टार्टेड इन माटुंगा। ये जब डोसा बन रहा था ना, इसके ऊपर जो घी की बारिश करी थी ना, वहीं पे मेरा दिल खुश हो गया था, आई एम लाइक दिस इज वेरी नाइस। एक पायसम का स्पून लेते हैं, हाँ पायसम विद अ लिटिल बिट ऑफ काजू आई टेक, वो इसके अंदर साबूदाना भी डाला हुआ है, सो देयर इज साबूदाना, सेवई एंड फ्लेवर्ड मिल्क। पायसम इज वेरी गुड, मील्स में ना यही डेजर्ट मिलता है पायसम, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, डिफाइंग द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। गाइस सारी चीज़ें हो गई, ये तो भूल ही गए बेचारी, इडली माँ बुरा मान जाएगी, अगली बार से मिलेगी नहीं। देखो यो बात है, 100 बातों की एक बात, ये इडली बहुत बढ़िया है, बट इडली डुबो के खाने में जो चेन्नई में मज़ा है वेलकम होटल का, वो तो वहीं का ही है, बट इनका सारा खाना ऐसा है कि आप मुंबई से क्या, नवी मुंबई से क्या, कहाँ से आओगे, विरार से आ जाओगे ये खाने, इतना टेस्टी खाना है। और ये लास्ट चीज़ जो ट्राई करेंगे, जिसका नाम मैं अभी तक भूल चुका हूँ, दिस इज जैगरी, जैक फ्रूट एंड कोकोनट, इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए नाम में क्या रखा है।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इससे। अच्छा मैं यहाँ से आ रहा था ना, रास्ते में इतने सारे ना यहाँ पे जैक फ्रूट के वो लगे हुए थे, राइप जैक फ्रूट के, टेस्टी लगते हैं ना। सो गुड, वो राइप जैक फ्रूट से बना है, वेरी गुड, बहुत मज़ा आया। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को फॉलो करना। वेजी भाजी डेली आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाना लेके आते हैं, अलग अलग शहरों का, अलग अलग जगहों का। बात करेंगे किसी और वीडियो में, मुंबई की गर्दी का, वेजी भाजी का, संडे स्पेशल्स का भी कार्यक्रम चल रहा है। बाय बाय।